हमारे बहुत से विधायकों को धमकाया है। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से दो लोगों को रात को मारपीट हो गई है। कौन कौन नाम बता? एक उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई है, वो वहां से भाग रहा था मुंबई में आने के लिए, तो उनको इतनी मारपीट की है गुजरात के पुलिस और वहां के ऑपरेशन कमल वालों के गुंडों ने। अब उनको हार्ट अटैक आ गया और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। आज सुबह से मुझे वहां से 4 या 5 फोन आए हैं विधायक के, वो कहां से भी एडजस्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं कि हमको यहां से वो यहां किडनैप करके लेकर आए हैं। हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था, हमको एक जगह पर थाने में खाने को बुलाया, डिनर के लिए बुलाया और हमको गाड़ी में डालकर यहां लेके आए। हमारी यहां से आप सुटका करो, छोड़ दो यहां से। उनके फैमिली के लोग परेशान हैं, उसमें से कुछ लोगों ने तो पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च किया है अपने हस्बैंड अपने बाप के किडनैपिंग की। क्या आप उसी को ही लोकतंत्र कहते हो या उसी को ही आप ऑपरेशन कमल करते हो? तो धन्यवाद। 3 मंत्री सह 33 जन विधायक के लिए मोदी शाह राज्य जोट सरकार मंत्री भांगन रुकते सन्धे 7 परिषद बैठक डाकलें उद्धव ठाकरे। सन्धे 7 मध्य मुम्बई पहुंचान चेष्टा कर शरद पवार, एम ही सूत्र खबर। 3 बचरे अंत 3 बार सरकार फलार चक्रांत अभियोग कर शरद पवार। सुरतर होटेले मंत्री विधायक नहीं घाटी गालें एकनाथ शिंदे। जल्पना बाड़िए महाराष्ट्र 5 कांग्रेस विधायक हठात ही उधाओ, 5 कांग्रेस विधायक एकनाथ शिंदे संगे सुराते पानी तैरि जल्पना। एकनाथ शिंदे विद्रोह पर ही परिषदीय दलनेतार पद से अपसारण करा। क्षमतार जो का धोखा दी देवना एम ही दावी कर एकनाथ शिंदे। जोट सरकार भांगने आशंकार बोधे कमलनाथ के दायित्व दिल कांग्रेस। गुजरात सूरत छवि देखें एक विधायक से 3 मंत्री सह 33 जन विधायक के लिए मुहूर्ते मोदी शाह राज्य जोट सरकार मंत्री एकनाथ शिंदे एके एके विधायक गुजरात सूरत पहुंचन मुहूर्ते देखते से ही छवि। उद्धव सरकार मध्य विद्रोह 3 मंत्री सह 33 जन विधायक के लिए मुहूर्ते गुजरात सूरते रोन एकनाथ शिंदे एके एके विधायक से पहुंचन मुहूर्ते देखते से ही छवि। रौनक कुकरे हमारे प्रतिनिधि मुहूर्त टेलीफोन रोचे संगे। रौनक जानना चाहेंगे लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, और शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाया है, क्या जानकारी मिला है उसके बारे में? जी निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे से फिलहाल उप मुख्यमंत्री जो अजीत पवार है वह उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करने पहुंचे, और इसके अलावा जो शिवसेना के सांसद है, इसके अलावा जो विधायक है यहाँ पर मुंबई में मौजूद, उन सभी को उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार मुलाकात के लिए बुलाया है। उनसे विचार विमर्श जो है उसका लगातार सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो शिवसेना के सचिव है मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के करीबी विधायक है रवि पाठक, ये दोनों को मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने सूरत भेजा हुआ था, उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद क्या वे उद्धव ठाकरे के मैसेज के बाद एकनाथ शिंदे अपनी बात जो है वो उन्होंने रखी है नहीं रखी है या क्या कुछ सामने निकल कर आया, ये अभी फिलहाल इसकी अपडेट जो है वो नहीं मिल पाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी जो शिवसेना का कैंप है उसमें हलचल देखने को मिल रही है, और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो टेंशन में नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार पे जो है खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। भले ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बात का जिक्र कर रहे हो कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों की संख्या है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार जो है उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो मुश्किल में और पैनिक मोड पर यहाँ पर आ खड़ी हुई है। जी जी शुक्रिया रौनक।